हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने पिछली सीरीज में किया था कि आपसे अनुरोध किया था कि आप जो हैं एक कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलता हूँ उसके आपको जो आंसर लगते हैं वो आप उसको नोट कीजिए, और बाद में जब हम क्वेश्चन सेट खत्म कर लेंगे उसके बाद आंसर सेट में आएंगे उसमें हम आपको विद जो उसका रीज़न है उसके साथ में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है इसमें, स्वीट कॉर्न एंड पॉपकॉर्न सीड रेट रिस्पेक्टिवली आर। स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न का सीड रेट क्रमशः होता है, इसका ए ऑप्शन है 14 और 20, बी ऑप्शन है 10 और 14, सी ऑप्शन है 14 और 10, और डी ऑप्शन है 20 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल मिलेट प्लांट पॉपुलेशन आर। जो पर्ल मिलेट होता है उसमें पौधों की संख्या होती है लाख पर हेक्टेयर में। ए ऑप्शन है 1.5 to 1.75, बी ऑप्शन है 1.75 to 2, सी ऑप्शन है 2 to 2.7, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ बेबी कॉर्न इज। बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग स्टेज है, ए ऑप्शन है इसमें टेस्लिंग स्टेज, बी ऑप्शन है आफ्टर 1 to 3 days ऑफ टेस्लिंग, सी ऑप्शन है सिल्किंग, और डी ऑप्शन है आफ्टर 1 to 3 days ऑफ सिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के लिए पर्ल मिलेट का सीड रेट होता है 2 kg per hectare, 4 kg per hectare, 6 kg per hectare, या फिर डी 8 kg per hectare। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट आई डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। व्हाइट आई डिजीज राइस में होती है, ए ऑप्शन है कॉपर से, बी जिंक, सी आयरन, और डी मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कंटेंट इन पोटैटो इज परसेंट में। आलू में प्रोटीन होता है, ए ऑप्शन है 1.6%, बी ऑप्शन है 2.6%, सी ऑप्शन है 3.6%, और डी ऑप्शन है 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो। इनमें से किस में सबसे ज़्यादा सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो होता है, ए ऑप्शन है सोयाबीन, बी ऑप्शन है सनफ्लावर, सी ऑप्शन है मेज, और डी ऑप्शन है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकिना ल्यूकोसफेला कॉल्ड मिरेकल प्लांट इज यूज्ड फॉर। ए ऑप्शन है फ्यूल के लिए, बी फॉडर के लिए, या फिर सी मैन्योर के लिए, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइस वैरायटी रेजिस्टेंट टू टुंगरू वायरस। टुंगरू वायरस के लिए रेजिस्टेंट प्रजाति है, ए ऑप्शन है अजया, बी ऑप्शन है फागुना, सी ऑप्शन है विक्रमार्या, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप सिकनेस ऑफ टेबैको इज ड्यू टू। टॉप सिकनेस ऑफ टेबैको होती है, ए ऑप्शन है फंगस से, बी ऑप्शन है न्यूट्रिएंट से, सी ऑप्शन है बैक्टीरिया से, या फिर डी ऑप्शन है वायरस से। इसको आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप सिकनेस ऑफ टबैको किससे होती है, आयरन से, बी जिंक से, सी बोरोन से, या फिर डी कॉपर से। अगला प्रश्न है, निकल एंड कोबाल्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ए ब्लैक ग्राम, बी लेंटिल, सी सुगर केन, या फिर डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिकल लीफ डिजीज अकर ड्यू टू
डिफिशेंसी ऑफ, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है पोटेशियम, डी ऑप्शन है बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटल लीफ अकर ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, ए कैल्शियम, बी बोरोन, सी जिंक या फिर डी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी पोटेशियम या फिर डी बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ वीड इज ए वीसा सटाइवा, बी पार्थेनियम, सी सोलानम स्पीसीज और डी कस्कटा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ क्वीन ऑफ वीड, ए कैनाबिस सटाइवा, बी मैराबिलिस सटाइवा, डी ए एंड बी बोथ या फिर डी नन ऑफ द अबो। नेक्स्ट, साइज ऑफ ग्रेन्यूल इन ग्रेन्यूलर हर्बिसाइड इज लेस देन 4 mm। नेक्स्ट 0.4 to 1 mm, नेक्स्ट 1 to 2 mm और डी ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्जिंग इन राइस इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन इफ द कंसंट्रेशन इज लेस देन 100 ppm, 100 to 200 ppm, 200 to 300 ppm और ग्रेटर देन 300 ppm। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द हेडक्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड, ए प्रयागराज, बी हैदराबाद, सी न्यू दिल्ली एंड डी उदयपुर। नेक्स्ट, राइस हैज इकोसिस्टम, ए 3, B 5, C 7 or D none of the above। Next question, rice has a aroma due to A acetyl 1 pyroline, B diacetyl pyroline, C diacetyl 1 pyroline, next diacetyl 2 pyroline। Next, basmati rice said to be long, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बासमती राइस सेट टू बी लॉन्ग, है ना, इसको बासमती राइस को कैटेगराइज कर देते हैं लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम। उसमें पूछ रहा है कि बासमती राइस हैज सेट टू बी लॉन्ग इफ द लेंथ ऑफ राइस ग्रेन आफ्टर कुकिंग इज ग्रेटर देन 7.5, 6.61 टू 7.5, 5.51 टू 6.6 और लेस देन 5.5। Bashooning is a practice which used in rice cultivation related to which of the following? Is it nutrient management, B irrigation, C weed management or D is a sowing method? Next question, rising rice seedling for 1 hectare area, the water requirement is in hectare mm 20 to 40, B 40 to 60, C 80 to 60 to 80 and the D 80 to 100. So next is the answer part. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगने वाली वीडियो है हमारी, इस पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज बनने वाली हैं सहायक कृषि अधिकारी के लिए। ये केवल सहायक कृषि अधिकारी में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सहायक उद्यान अधिकारी, पर्यवेक्षक, उद्यान निरीक्षक, कृषि अधिकारी वर्ग 2 और जितनी भी कृषि से रिलेटेड जो परीक्षाएँ हैं उनमें निश्चित रूप से लाभकारी रहेगी। तो अब आते हैं आंसर पार्ट में। स्वीट कॉर्न एंड पॉपकॉर्न सीड रेट आर रिस्पेक्टिवली, स्वीट कॉर्न का जो सीड रेट होता है वो होता है 14 kg पर हेक्टेयर और पॉपकॉर्न का सीड रेट होता है 10 kg पर हेक्टेयर। पर्ल मिलेट प्लांट पॉपुलेशन इन लैक पर हेक्टेयर 1.752 लैक पर हेक्टेयर। हार्वेस्टिंग स्टेज
ऑफ बेबी कॉर्न इज, बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग स्टेज होती है। यह हमने पिछली वीडियो जो थी हमारी उसमें भी डिस्कस किया था कि बेबी कॉर्न को जस्ट आफ्टर सिल्किंग हार्वेस्ट कर लिया जाता है। टेस्लिंग जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और सिल्किंग जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसे सिल्क आना शुरू होते हैं वैसे उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सीड रेट फॉर पर्ल मिलेट ट्रांसप्लांटिंग इज, तो इसका डायरेक्ट आंसर है 4 kg/hectare। व्हाइट आई डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय आयरन। नेक्स्ट, प्रोटीन कंटेंट इन पोटैटो इज, प्रोटीन कंटेंट पोटैटो में होता है 1.6%, ये 1.6% होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो, शुगर केन है ना 1:60, इसका जो है सीड मल्टीप्लीकेशन होता है जो कि हाइएस्ट होता है। नेक्स्ट इज ल्यूकेना ल्यूकोसिफेला इज कॉल्ड मिरेकल प्लांट बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल, एज अ फॉडर और एज अ मैन्योर। आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइस वैरायटी रेजिस्टेंट टू टुंगरू वायरस, तो इसका आंसर है विक्रम आर्या, विक्रम आर्या इज रेजिस्टेंट टू टुंगरू वायरस। नेक्स्ट इज टॉप सिकनेस ऑफ टबैको इज अ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है ना। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बोरॉन से होती है जो कि है ना पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना कि टॉप सिकनेस किससे होती है, बोरॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल एंड कोबाल्ट इज मोस्ट यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो जो निकल और कोबाल्ट होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूजफुल होते हैं है ना। तो ऐसी क्रॉप जो होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है उनमें ये यूजफुल है, तो वो कौन सी होती है, पल्सेस। तो ये दो पल्सेस हैं शुरू में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। सिकल लीफ डिजीज अक्कर ड्यू टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की डिफिशियंसी से सिकल लीफ डिजीज होती है। नेक्स्ट, ब्रिटल लीफ डिजीज किससे होती है, कैल्शियम से है ना। पफिनेस इन ग्राउंड नट, ब्रिटलनेस इन ग्राउंड नट है ना, ये सब किससे होती है, कैल्शियम से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन, तो देखो इसमें पोटेशियम भी शुगर ट्रांसलोकेशन में काम आता है और बोरोन भी इसमें शुगर ट्रांसलोकेशन में काम आता है, बट जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का, दैट इज पोटेशियम। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, पोटेशियम नहीं दे करके कुछ और दिया होता तब क्या हो जाता है, इसका आंसर बोरोन। नेक्स्ट, किंग ऑफ वीड इज पार्थेनियम है ना, एबनॉक्सियस वीड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन ऑफ वीड, तो क्वीन ऑफ वीड कौन है, कैनाबिस सटाइवा है ना, दिस इज कॉल्ड क्वीन ऑफ वीड। नेक्स्ट, साइज ऑफ ग्रेन्यूल कितना होना चाहिए हर्बिसाइड का, फॉर ग्रेनुलर हर्बिसाइड का 0.421 mm, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रॉन्जिंग ऑफ राइस होती है इफ द कंसेंट्रेशन इज मोर देन 300 ppm, 300 ppm से ज्यादा होता है तब क्या है, ब्रॉन्जिंग होती है राइस में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द हेडक्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड, आंसर क्या है इसका, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है। नेक्स्ट, राइस हैज 5 इकोसिस्टम, राइस में कितने इकोसिस्टम होते हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस हैज एरोमा ड्यू टू डाई एसिटाइल वन पायरोलाइन, डाई एसिटाइल वन पायरोलाइन। बासमती राइस सेड टू बी लॉन्ग इफ द लेंथ ऑफ राइस ग्रेन आफ्टर कुकिंग इज, ये देखो ये पॉइंट ग्रेटर देन 7.5, ये क्या है, लॉन्ग, ये वेरी लॉन्ग है, सॉरी सॉरी, ये क्या है, ये वेरी लॉन्ग है, ये क्या है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये क्या है, ये मीडियम है, और ये क्या है, लेस देन, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। नेक्स्ट, बैशुनिंग बिसाई है ना, इसको बैशुनिंग को बिसाई भी बोलते हैं, ये क्या है, इज अ वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ना। इसमें क्या होता है, जब फसल जो है क्या आपकी
एक महीने की हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं हम थिनिंग टाइप जो है स्टैंडिंग वाटर में हम क्या है एक पाटा टाइप लगाते हैं स्टैंडिंग वाटर में, उससे क्या होता है वीड भी निकल जाती है और कुछ जो हमारे एक्स्ट्रा प्लांट पॉपुलेशन है वो भी रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट, राइजिंग राइस सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर एरिया द वाटर रिक्वायरमेंट इज 40 to 60 हेक्टेयर mm। वाटर रिक्वायरमेंट 1 हेक्टेयर सीडलिंग ग्रो करने के लिए कितनी चाहिए हमें, 40 to 60 हेक्टेयर mm। और 1 kg राइस प्रोडक्शन के लिए कितना वाटर चाहिए होता है हमें, 3000 से 5000 लीटर वाटर। इतना वाटर चाहिए होता है 1 kg राइस प्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब, और अपने जो सजेशन हैं जो हमें कमेंट के थ्रू सजेशन देना आप ना भूलिए, और हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें से, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।